डर्मा सक्शन का, जो कि ये फुल फिशल है, इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगी इसकी डर्ट निकालने के लिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह है। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज निदा एंड माय चैनल नेम सिग्नेचर बाय निदा। आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं जी डर्मा सक्शन का, जो कि ये चेहरे से डर्ट, हर किस्म की जो आपके पोर्स में डर्ट चली जाती है, वाइट हेड, ब्लैक हेड बन जाते हैं, ये पोर्स में से ये डर्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से सक कर लेगा। इसका रिव्यू आज हम देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे कैसे करना है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले। तो आइए आपको इसका रिव्यू अच्छा से ज़बरदस्त सा देती हूँ। इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको अपनी स्किन क्लियर करके इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि इसके बाद भी इस चेहरे से डस्ट कैसे निकलेगी और इसका कैसे आएगा। पोर्स जिनके ओपन है, जिनकी नोज पे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जहाँ पे भी हैं, उसमें से ये डर्ट को बिल्कुल खींच देगा। मेरे पास ये है जी ग्लोइंग ब्लास्ट का, ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। ये बहुत अच्छा रहा, एक्रीन वालों का है ये। जिनके पास अगर कोई भी स्क्रब, कोई भी, ये है जी फुल फिशल है, फ्रूट फिशल है, यानी कि आपने एक ही को आपने 15 मिनट 20 मिनट करना है तो ये आपका फुल फिशल ही होता है। ये इतना मैंने ले लिया है। जिसके पास ये नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, वो क्या करें, टमाटो लें। टमाटो को आपने दरमियान से कट करके उसके जो इधर बीज वाली साइड पे, उसके ऊपर चीनी डालनी है, वाइट। ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट चीनी भी। चीनी ये होगा कि हमारी स्किन को स्क्रब करता है, और जो टमाटो है वो हमारी स्किन में जो भी एंटी एजिंग और जो भी चीज़ें होती हैं उन उसके लिए ये बहुत अच्छा है। मैं ये, आप मेरे साथ ये स्क्रब है मेरे पास, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ यूज़ करूँगी इसको। तो मैं इसका पहले 15 से 20 मिनट का मसाज है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसको स्क्रबिंग को आपने ज़्यादा नहीं करना। कोई भी स्क्रब हो, ये स्क्रबिंग है तो फुल फिशल है, इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगी इसकी डर्ट निकालने के लिए। उसके बाद फिर इसको हम लेंगे थोड़ी सी स्टीम। स्टीम से ये होगा कि हमारे जो चेहरे के पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और उसमें से जो डर्ट है वो आसानी से निकलेगी, और ये डर्मा सक्शन के साथ इसको हम सारी डर्ट को क्लियर करके आपके सामने रिजल्ट होगा कि कितनी प्यारी स्किन वैसी हो जानी। इसके मसाज का मैं आपका तरीका बताती हूँ। आपने ऐसे से राउंड राउंड, फिर आपने ऐसे इसको ऊपर की तरफ पे, आपने ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, लाइट लाइट हैंड से दूसरी साइड से कर लें, ठीक है। और ऐसे ऐसे कोई भी फेशियल भी आप करेंगे तो यही तरीका होगा। और थोड़ी के पे हमने ऐसे 2 फिंगर्स को ऐसे लेना है, 1 फिंगर को ऐसे लेके इसको इधर को, इसको इधर को, बाहर को खींचना है, अब इधर ही, ठीक है, ताकि ये जो आपकी जो भी डर्ट होगी ये आपकी इजीली सारी जगह से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद मैं स्टीम लूँगी, और स्टीम लेने के बाद फिर मैं आपको अपने फेस पे इसको सारा मैं आपको दिखाऊंगी, इसका जो प्रोसेस है। मैं तकरीबन 5 मिनट के बाद, ये देखिए मैंने मसाज किया और मेरी स्किन का अभी से हाल देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है। अब इसके इस्तेमाल से मेरी स्किन पे कोई डर्ट नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद डर्मा सक्शन है, इसमें डर्ट निकालेगा और बड़ी अच्छे तरीके से इसकी है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन का थोड़ा सा स्टीम लेके आती हूँ ताकि आपको इसका रिव्यू देती हूँ प्रॉपरली। ये देखें जी, मैंने स्टीम ले ली है, स्किन पे आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त सा ग्लो आ चुका है, पोर्स मेरे ओपन हो गए हैं। अब इसको मैं ओपन करती हूँ डर्मा सक्शन को, और आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये देखें, इसमें ये इनके 3 किस्म के टूल्स हैं, जो कि ये इस तरह, एक ये होल है इस टाइप का, एक ये इस तरह का जो ये साइडों से जो निकलता है डर्ट, और एक ये थोड़ा सा बड़ा होल है जो कि हम इधर इधर ये करते हैं। अब मैंने जो लगाया हुआ वो मैंने मीडियम लगाया हुआ है, ये वाला, ये भी है एक, और इसमें 4 यानी कि 4 किस्म का इस
इसमें आता है। मेरे ये सही रहेगा तो मैंने ये लगाया। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी ये कैसे सकिंग इसकी कैसी है। ये देखिए यहाँ से इसके बटन है, ये टू टाइप्स के हैं इसके, यानी कि मैं इसका हाई करूँगी, एक ये है, इसमें पता नहीं अब आपको आवाज़ आ रही, एक ये है, ठीक है, ये देखिए ये इस तरह है। अब हमने क्या करना है, स्किन पे हमने ये देखिए सारी डर्ट आपकी निकल जाएगी इसके इस्तेमाल से ही, जो आपकी नोज पे वाइट हेड्स होते हैं, जो आपके फेस पे हैं, स्टीम से तो वैसे ही पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद ये बहुत इजीली कि आपकी स्किन को आप समझ लें कि आपकी स्किन का जो होता है ना कोलेजन, उसको बढ़ाएगा ये। ये देखिए आपने एक जगह पे नहीं रखना है, इससे स्किन जल भी सकती है, आपने ऐसे इसको मूव करना है इजी इजी से, आहिस्ता आहिस्ता से। आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। अब हम इस नोज़ पे इस साइड पे आ जाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ कर लें, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं स्किन पे। ये देखें आपके सामने ये सारी डर्ट इसकी ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन मैं जो इसको कर रही हूँ कि ये जो मेरी स्किन को बहुत फ्रेश कर देगा, जो भी अंदर तक जेड़ा भी माल मत्ता है स्किन के अंदर गया होगा ना, ये इसका बिल्कुल सारा कुछ ख़त्म कर देगा इसका। या ऐसे नीचे की तरह कर सकते हैं, ऐसे साइड से भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये देखिए इधर भी होती है, यहाँ मेरे देख सकते हैं ये डार्क स्पॉट्स हैं, यहाँ पे मेरे पिंपल वाली मेरी स्किन है, और आपको पता है फिर मेकअप भी करती हूँ तो उससे फिर डर्ट रह जाती है। ये मैंने इसलिए मंगवाया है ताकि ये मेरी डर्ट सारी निकाल दे मेरी स्किन से। आपके सामने रिजल्ट इसका आ रहा है और स्किन कैसे मेरी देखते देखते फ्रेश हो गई है। ऐसे इस पे ऐसे इधर को रह गया। इसका मुझे तो इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये मैं बिल्कुल ये मैंने दराज से 950 विद प्राइसेस की, यानी कि डिलीवरी है, तो मैं वही लिंक शेयर करूँगी जहाँ से मैंने ये मंगवाया है। वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा तो आप मंगवा सकते हैं इसको, इजीली बहुत इजीली मिल जाएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा। मैं इसका रिव्यू देने आई हूँ कि आपको इस तरह की चीज़ों के, आपकी स्किन पे जो डर्ट है, जो पिगमेंटेशन है उसके अंदर चली जाती है ना ये चीज़ें, तो डर्ट रह जाती है हमारी स्किन में। तो मैं तो मेकअप करती हूँ ना, जिसकी वजह से मेरे फिर कहीं ना कहीं मेकअप प्रोडक्ट्स रह जाती हैं। फेस वॉश भी अच्छे तरीके से कर लें, क्लिनजिंग डेली मैं करती हूँ, क्योंकि जाहिर है स्किन भी मेरी ऐसी है। तो ये बहुत ही औसम मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। चले जी, ये देखें आप डॉट चेक करें, और ये देखें इसमें से ये एक कुशन होता है, ये एक साइड से ये बिल्कुल क्लीन है और एक साइड से ये देखें ये डर्टी हुआ है, ये देखें ये स्पॉट्स हैं, और यहाँ से देखें ये बिल्कुल साफ है एक साइड से। तो इसकी डर्ट सारी ऑल निकल गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, कोई ना कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लेनी है, वो आपकी जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो लगा लें। तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन बिल्कुल, जो भी डर्ट होगी वो तो निकल चुकी होगी और स्किन आपकी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगी। अब इसके बाद जो भी आप करना चाहे अपनी स्किन को, यानी कि अपने आप फेस फेशियल हेयर है वो आपने रिमूव करने वो कर लें, तो स्किन आपकी फ्रेश हो चुकी है। देखिए जी आपको कैसा लगा ये रिव्यू, आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप देखें स्किन कितनी यंग और ब्यूटीफुल हो गई है, और इससे ये होता है कि आपके जो चेहरे पे रिंकल्स है उसकी वजह से, ये जो आप मिस्त्रा करते हैं तो आपकी स्किन की सारी जो रिंकल्स हैं वो भी फ्री हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जब हम ऐसे मसाज करते हैं ना हाथों से या किसी भी प्रोडक्ट से, तो हमारी इधर से स्किन इलास्टिक हो जाती है और
ये आपकी जितनी भी एज हो जाएगी ना तो आप यंग ही लगेंगे। ठीक है जी, कैसा लगा आपको आज का ये रिव्यू डर्मा सक्शन का? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चेहरे पे मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज क्रीम लगाई है और मैंने कुछ नहीं लगाया, आपके सामने है, लिपस्टिक मैंने लगा ली थी, मैंने कहा चले जी एंड है तो अच्छा होना चाहिए। चले जी, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें जी। नेक्स्ट ज़बरदस्त रिव्यू, ज़बरदस्त मेकअप, ज़बरदस्त स्किन केयर, जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट में मुलाकात होगी, सिया बाय।